जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन का कहना है कि नवाज शरीफ वो ऐलानात क्यों करते हैं जिन पर अमल नहीं करना होता। सैयद मुनव्वर हसन लाहौर में जमात इस्लामी पंजाब के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के कन्वेंशन का खिताब और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान पर APC बुलाने के ऐलान पर अमल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने पर तहरीक चलाने के लिए जमात इस्लामी या जमीयत उलमा इस्लाम से भी राबता नहीं किया। मुनव्वर हसन का कहना था कि वजीर आजम अपील के फैसले तक वजीर आजम है, उन्हें अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वो ऐलान क्यों करते हैं जिस पर उन्हें अमल करना नहीं होता। दूसरे उन्होंने बलोचिस्तान के दौरे से वापसी पर कहा कि बलोचिस्तान पर APC बुलाएंगे। हमें उस वक्त भी यकीन था कि नहीं बुलाएंगे, उन्होंने नहीं बुलाए। क्यों ऐलान करते हैं? उन्होंने अभी ये ऐलान किया कि हम वजीर आजम के खिलाफ ये यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे और JUI और जमात इस्लामी तहरीक के इंसाफ से ही बात करेंगे। जब उन्हें बात नहीं करनी थी तो वो जिक्र क्यों करते हैं?